हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज का है और सी लैंग्वेज में हेडर फाइल को लेकर के ये टॉपिक हमने लिया है आज का। और हेडर फाइल नहीं लिखते हैं तो क्या दिक्कत होती है, ये सारी बातें आप जानते हैं। हेडर फाइल अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वैसे होती नहीं है, ठीक है। ANSI जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड जिन्होंने बनाया है उसका रूल ये कहता है कि आपको हेडर फाइल लिखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोग्राम फिर भी चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने कोड ब्लॉक्स में बनाया है और ये कोड ब्लॉक्स का कंपाइलर जो हमने डाउनलोड किया है और इसमें जो पास सेट किया है वो कोड ब्लॉक्स का ही है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये कोई डिफरेंट टाइप का कोड ब्लॉक्स हो, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर कंपाइल किया हमने तो यहां पर देख सकते हैं ये एरर आ रहा है, प्रिंटफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, और यहां पर स्कैनफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, टू एरर्स आ रही है, ठीक है। और अगर जैसे ही मैं यहां पर हेडर फाइल लिख देता हूं, जैसे देखिए यहां पर लिखता हूं मैं हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हैश इंक्लूड conio.h ये लिख दिया हमने और अब एंटर प्रेस किया और यहां पर अब इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सेव कर दिया हमने, event.c के नाम से ये सेव है। अब यहां पर बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाता हूं इसको, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ANSI का स्टैंडर्ड गलत है या जिन लोगों ने वीडियोस बनाई है वो गलत है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कोई ऐसा कंपाइलर होता है जो आपका ये हेडर फाइल है वो लेगा ही लेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा विदाउट हेडर फाइल, ठीक है। तो आप बिना हेडर फाइल के भी बना सकते हो प्रोग्राम, लेकिन जो कंपाइलर सपोर्ट करेगा यानी कि उसे हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उस कंपाइलर को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसमें हेडर फाइल आपको लगाना ही पड़े, तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाता हूं, यहां से जाके इसे रन करवा दिया, तो अब यहां पहला नंबर लिखा 8, दूसरा नंबर लिखा 8, तो यहां रिजल्ट आ गया 16, इसका एडिशन आ गया। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंपाइलर इस तरह का इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर कोई वीडियो अगर देखते हैं इंटरनेट से तो उनको ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि मेरे में तो उनके में तो चल जा रहा है बिना हेडर फाइल के और मेरे में नहीं चल रहा है। तो कंपाइलर का फर्क होता है, हो सकता है कि वही कंपाइलर, ठीक है, उन्होंने जो डाउनलोड किया हो उसमें वो हेडर फाइल सपोर्ट करता हो और आपके में ना सपोर्ट कर रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप हेडर फाइल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेडर फाइल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।